हे गाइस, वेलकम बैक। आज की मूवी का नाम है अ फ्रोजन फ्लावर। ये 2008 की बेहद ही कामुक ऐतिहासिक मूवी है। ये कहानी है राजा और उसके बॉडीगार्ड के प्रेम की, लेकिन राजा के एक अजीब आदेश की वजह से राजा का बॉडीगार्ड राजा के साथ ही धोखा कर बैठता है। मूवी शुरू होती है गोरियों के राजा की शादी युआन राजवंश की राजकुमारी से हुई है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। युआन के सम्राट और राजा के खुद के स्वयंसेवकों से दोनों पर काफी प्रेशर है कि वो एक औलाद पैदा कर सकें ताकि उनके राज्य को वारिस मिले। राजा का महल 36 युवा सैनिकों से बना है, जिसका नेतृत्व सैन्य कमांडर हॉन्गरिम करता है, और हॉन्गरिम राजा का प्रेमी भी है। राजा एक दिन हॉन्गरिम से कहता है कि वो रानी के साथ सेक्स करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। दरअसल राजा होमोसेक्सुअल होता है और उसका संबंध हॉन्गरिम से है। हॉन्गरिम को रानी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है ताकि वो राज्य को उत्तराधिकारी दे सके। हॉन्गरिम मना करता है, लेकिन राजा का आदेश उसे मानना पड़ता है। जब हॉन्गरिम और रानी पहली बार इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उनके बीच कुछ नहीं होता। राजा हॉन्गरिम से पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ। हॉन्गरिम मना करता है। राजा कहता है उसे ये सब करना पड़ेगा। अगली बार जब हॉन्गरिम रानी से मिलता है तो दोनों के बीच रिलेशन बनता है। राजा उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है और उसे हॉन्गरिम का रानी के साथ इंटीमेट होना पसंद नहीं आता। वो काफी जेलस फील करता है, लेकिन हॉन्गरिम कहीं ना कहीं रानी की तरफ आकर्षित होने लगता है। हॉन्गरिम अब राजा को बिना बताए रानी से लाइब्रेरी में मिलने लगता है और राजा को दोनों पर शक होने लगता है। राजा हॉन्गरिम से पूछता है कि वो कहाँ था। हॉन्गरिम कहता है कि वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था, लेकिन राजा उस पर यकीन नहीं करता। एक दिन वो दोनों को एक साथ बुलाता है और कहता है कि वो कुछ दिन के लिए अपना लिया हुआ डिसीजन पोस्टपोन करना चाहता है, लेकिन रानी एक बच्चा पैदा करने का प्रयास जारी रखेगी, लेकिन किसी और ट्रस्टेबल सैनिक के साथ। हॉन्गरिम राजा से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। रानी भी कहती है कि आप मुझे ऐसे किसी के भी साथ इंटीमेट होने को नहीं कह सकते, लेकिन राजा अपने डिसीजन को बदलने से मना कर देता है। राजा का डिसीजन बदलने के लिए हॉन्गरिम रानी से दूरी बनाए रखने को कहता है ताकि राजा अपना फैसला बदल दे। इस फैसले की वजह से रानी अपने हाथ की नस काट लेती है। हॉन्गरिम राजा से कहता है कि वो उसे मार दे और उसको माफ कर दे। राजा हॉन्गरिम को माफ कर देता है क्योंकि राजा को लगता है कि हॉन्गरिम रानी की तरफ बस सेक्सुअली अट्रैक्ट है। राजा और हॉन्गरिम फिर से एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन हॉन्गरिम को रानी के साथ बिताए गए पल याद आते हैं। राजा एक चित्र बना रहा होता है जिसमें वो हॉन्गरिम के साथ शिकार कर रहा है। हॉन्गरिम पूछता है, वो पीछे वाला घुड़सवार जरूर मैं हूँ। राजा कहता है, हाँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। हॉन्गरिम कहता है, मैं वो आगे वाला घुड़सवार बनना चाहता हूँ जो शिकार कर रहा है। राजा हॉन्गरिम को कुछ समय के लिए बाहर की सीमाओं पर जाने को कहता है ताकि उसका मन शांत हो सके। हॉन्गरिम के जाने से पहले रानी की नौकरानी हॉन्गरिम से कहती है कि रानी आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। वो ये भी बताती है कि रानी शायद प्रेग्नेंट है। हॉन्गरिम रात को रानी से मिलने लाइब्रेरी जाता है। रानी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हॉन्गरिम पूछता है कि क्या उसने ये न्यूज राजा को बताई। रानी कहती नहीं, वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हॉन्गरिम कहता है, क्यों नहीं करेगा, वो तो यही चाहता था कि हम उसे एक वारिस दें। रानी कहती है, लेकिन अब वो इस बच्चे को मार देगा क्योंकि वो अब ये बच्चा नहीं चाहता। फिर वो रानी के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन राजा की आंख खुल जाती है और वो अपने सैनिक को लेकर लाइब्रेरी जाता है। जैसा कि राजा को शक था, दोनों वही होते हैं और राजा उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेता है। वो दोनों को बांधकर उनसे सवाल पूछता है। वो हॉन्गरिम से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। हॉन्गरिम कहता है कि मैं रानी से प्यार करता हूँ और इसमें रानी की कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दो। रानी कहती है कि नहीं, मैंने हॉन्गरिम को यहाँ बुलाया था, सजा देनी है तो मुझे दो। उन दोनों के बीच का प्यार देखकर राजा को काफी गुस्सा आता है। हॉन्गरिम ने राजा के साथ धोखा किया था। वो हॉन्गरिम का प्राइवेट पार्ट काटने का आदेश देता है। सैनिक वैसा ही करते हैं। राजा हॉन्गरिम से कहता है कि अब वो उसकी तरह हो गया है, यानी कि नपुंसक।
रानी को ये पता चल जाता है कि राजा उन सभी को मार देगा जो ये राज जानते हैं कि वो हॉंगरिम से प्रेग्नेंट है। वो हॉंगरिम को जेल से भागने में मदद करती है और सैनिक भेजती है। राजा को जब हॉंगरिम जेल में नहीं मिलता तो रानी के पास जाता है और हॉंगरिम के बारे में पूछता है। रानी बताने से मना कर देती है। राजा रानी की नौकरानी को मार देता है। राजा को पता चलता है कि रानी प्रेग्नेंट है। वो उन लोगों को मारने का आदेश देता है जिन्हें रानी के बच्चे का बाप कौन है ये पता था, लेकिन वो एक जूनियर कमांडर को नहीं मरवाता जिसने हॉंगरिम की जगह राजा का कारभार संभाला था। हॉंगरिम को जब ये पता चलता है कि रानी अभी भी उसी महल में है तो हॉंगरिम महल जाने लगता है, लेकिन सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर रानी यहाँ आ भी गई तो क्या अब हॉंगरिम उन्हें खुश कर पाएगा, क्योंकि राजा ने तो उसका प्राइवेट पार्ट कटवा दिया था। हॉंगरिम वहां से महल की तरफ जाने लगता है लेकिन वापस लौट आता है। वहां राजा हॉंगरिम के ठिकानों को जानने के लिए सैनिकों को टॉर्चर करता है और उनका सिर काटकर टांग देता है, जिसमें से एक सर रानी की नौकरानी का होता है। हॉंगरिम महल आता है और उन सरों को देखकर उसे लगता है कि राजा ने रानी को मार डाला है। वो महल में घुसकर सैनिकों को मार डालता है। वहां रानी राजा से कहती है कि महल के बाहर टंगे सिरों को उतरवा दिया जाए। राजा रानी को उसके कमरे में जाने को कहता है। रानी जूनियर कमांडर से कहती है कि राजा उसे भी मार डालेगा क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। वो जूनियर कमांडर को राजा को मारने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसकी जान बचा सकती है क्योंकि वो युवान की राजकुमारी है। जूनियर कमांडर अपने सैनिकों से राजा को मारने का प्लान बनाता है। वहां हॉंगरिम राजा से लड़ने को कहता है। दोनों लड़ने लगते हैं, तभी वहां कमांडर आ जाता है। राजा सैनिकों को इंटरफेयर करने से मना कर देता है। राजा हॉंगरिम की तलवार काट देता है और उससे पूछता है कि क्या उसने एक पल के लिए भी उससे प्यार किया था। हॉंगरिम कहता है नहीं। ये सुनकर राजा हैरान रह जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो खुद को ठगा सा महसूस करता है। हॉंगरिम अपनी तलवार राजा के पेट में घुसा देता है, तभी वहां रानी आ जाती है और रानी को देखकर हॉंगरिम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि हॉंगरिम को लगा था कि राजा ने रानी को मार डाला है। जूनियर कमांडर रानी को वापस भेज देता है और हॉंगरिम को तलवार से घायल कर देता है। हॉंगरिम राजा की तरफ देखता है और ये सोचता है कि राजा ने उससे झूठ क्यों बोला कि उसने रानी को मार दिया है। क्या वो उसकी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहता था? हॉंगरिम को अपने किए पर काफी पछतावा होता है और उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां राजा युवा हॉंगरिम को शहर का दृश्य दिखाता है और पूछता है कि क्या हॉंगरिम उसके साथ रहना चाहता है, और हॉंगरिम जवाब देता है हाँ। फिल्म राजा और हॉंगरिम के असेंबल के हुए चित्र को दिखाती है जिसमें वो दोनों शिकार कर रहे होते हैं जो राजा का सपना था। इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और अब अनामिका आपसे इजाजत चाहती है। नमस्कार।